बिहार शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति हटाने का हो रहा है जमकर विरोध। सरकारी स्कूलों में बीपीएससी के माध्यम से होने वाले शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में कई संघों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि इससे बिहार के युवाओं को काफी नुकसान होगा। संघ के ही नीतीश पांडे ने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के अंदर सरकार नीति को हटाने के फैसले वापस नहीं लेती है तो पूरे राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। नीकू पाल तथा अनीत सिंह ने कहा कि डोमिसाइल नीति हटाना गलत फैसला है। आयसा के राज्य अध्यक्ष विकास यादव व सचिव साबिर ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के 14 राज्यों में शिक्षक बहाली में स्थानीयता लागू है, पर बिहार में इसे समाप्त कर दिया गया। लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग के बाद नियमावली में इसे शामिल किया गया था। अब बिना किसी स्पष्टीकरण के इसे हटाना न्यायोचित नहीं है। बिहार के युवा अगर अन्य प्रदेशों में शिक्षक नहीं बन सकते तो यहाँ भी डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। वही छात्र नेता सौरव कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार राज्य शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 में जिस प्रकार से नियम में बदलाव किए जा रहे हैं उससे नियुक्ति प्रक्रिया भटक सकती है। सरकार ने पहले तो डोमिसाइल नीति लागू की, परंतु सोमवार को संशोधन कर बाहरी लोगों को मौका दे दिया गया। इसे वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा।